नमस्ते, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। नो योर नेता बिफोर वोटिंग फेस फोर इलेक्शंस में तेलंगाना जा रही है, उसमें और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बोनगिरी। तेलंगाना स्टेट 17 एमपीस को बेचती है बोनगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बोनगिरी यानी एक्चुअली भुवनगिरी, भुवनगिरी को ये बोनगिरी बोल के प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये 2008 डिलिमिटेशन के बाद बनी है। पहली बार कांग्रेस जीता है, टीआरएस जीता है। दूसरी बार कांग्रेस 2019 में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, ये जब कांग्रेस का अड्डा समझिए, बैस्टियन समझिए। जनरल कैटेगरी का एससी वोटर्स 19.6, एसटी 6%, मुस्लिम वोटर्स 3.7, रूरल वोटर्स 84%, अर्बन वोटर्स 15%, टोटल वोटर्स अबव 17 लाख। पोलिंग बूथ्स बोले तो 2073 है, लास्ट टाइम 74% वोटर्स टर्नआउट है। यहाँ पे कैस्ट पॉपुले रिलीजन पॉपुलेशन देखा है तो क्रिश्चियन 1.24 है, मुस्लिम्स 3.7, हिंदूज 90% है। इब्राहिम बोटबोटनम मुनगोडो बोनगिरी नगरिकल तुंगरते अलरी जनगाम मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी जीता है। लास्ट में 2024 देखा तो चेल्लम किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये 12th पास है, क्रिमिनल केस 3 है। बोरा नर्स सिंहागौड़ बीजेपी का कैंडिडेट है, पोस्ट ग्रेड है, क्रिमिनल केस एक है। कैयम मलेश बीआरएस का कैंडिडेट है, 12th पास है, 0 इश्यूज़ देखे तो वाटर एंड डेवलपमेंट यहाँ पे इश्यूज़ है।